हाई एवरी वन दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल टू हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और अगर आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहिए तो आप मेरे वीडियो जो रूल वन का वीडियो है उसमें वापस जाए और उसको देखें उससे आपको एक इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा और अगर सही में आपको ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझना है सीखना है तो यू मस्ट गो टू रूल वन और ये रूल टू हम डिस्कस करने वाले हैं रूल टू सेज वेन द सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय आईदर और नाइदर डिफर इन नंबर एंड पर्सन द वर्ब अग्रीज विद दियरेस्ट सब्जेक्ट तो इसको हम समझे कि वेन सब्जेक्ट्स एक से अधिक सब्जेक्ट अगर कनेक्ट हो रहा है आइदर ओर से या नाइदर नोर से और अगर ये सब्जेक्ट्स जो हैं अगर ये डिफर करते हैं नंबर या पर्सन में तो वर्ब जो होगा वर्ब वो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वर्ब उसके अकॉर्डिंग होगा एग्जाम्पल देख के हम समझते है, he, he, हैं आइदर यू और ही यहां देखिए आइदर यू और ही दो सब्जेक्ट्स हैं कनेक्टेड है आइडर और या नाइदर नॉर से तो अगर ये दो सब्जेक्ट्स हैं और दोनों अगर या तो नंबर में डिफरेंट हो या पर्सन में डिफरेंट हो तो वर्ब जो आया जैसे यहां पे वर्ब आया हैज हैज किसके अकॉर्डिंग आया है ही के अकॉर्डिंग क्योंकि ही के साथ हैज का यूज होता है यू के साथ यू के साथ हैव का यूज होता है लेकिन हमने यहां पे हैज यूज किया हैव यूज नहीं किया वाई बिकॉज अगर दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है आइदर और या नाइदर नॉर से और अगर वो डिफरेंट है उसका नंबर या पर्सन तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वर्ब उसके अकॉर्डिंग होता है सेकेंड एग्जाम्पल भी देखो नाइदर द डॉक्टर जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट है द डॉक्टर एंड द नर्सिस है यह सिंगुलर है सिंगुलर यह जो नंबर होता है किसी भी नाउन का दो तरह का होता है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन और ये यहां देखे नर्सेज प्लूरल है प्लुरल मतलब एक से अधिक नर्स सिंगल नर्स है नर्सेज एक से अधिक नर्सेज हो गए तो दो ऐसे सब्जेक्ट जिसके नंबर अलग अलग है एक सिंगुलर है एक प्लुरल है तो अभी जो ये वर्ब आया ये किसके अकॉर्डिंग आएगा ये आएगा नर्सेस के अकॉर्डिंग तो नर्सिस के लिए आर यूज करते हैं इसीलिए यहां पे आर है अगर डॉक्टर के लिए हमें यूज करना होता तो वो इज यूज करना होता लेकिन यहां पे हम इज यूज नहीं करके हम आर यूज करेंगे पर्सन की अगर हम बात करें तो पर्सन तीन तरह के होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन वो है जो कोई बात बोल रहा है ठीक है कहने वाला सेकेंड पर्सन होता है वो सुनने वाला हु स्पीक्स इज द फर्स्ट इज द फर्स्ट पर्सन हु पर्सन और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन हो जाता है तो थर्ड पर्सन में आता है जैसे ही शी या कोई भी नेम और वो एक बंदा भी हो सकता है एक से अधिक बंदा भी हो सकता है ठीक है ये थर्ड पर्सन हो गया तो अब देखो यहां पे फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल को फिर से देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में यू जो है यू जिससे हम बात करते हैं तो वो यू होता है ना तो दिस इज द सेकेंड पर्सन और ही जो है ही हमने पहले बता दिया ये थर्ड पर्सन है तो ही इज द थर्ड पर्सन तो दो डिफरेंट पर्सन हैं यहां पे ग्रामर के अकॉर्डिंग तो वर्ब जो यूज हुआ हैज वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ सो दिस इज द सिंपल रूल और आपको और अच्छे से समझना है तो एक एग्जाम्पल मैं और यहां कोट कर रहा हूं जस्ट मोमेंट इस एग्जाम्पल में क्या है कि सपोज अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल को ही फिर से एक दूसरे ढंग से फ्रेज करें जैसे नाइदर द नर्सेस नॉर द डॉक्टर डैश टू ब्लेम तो यहां पे क्या आएगा अभी देखो इसमें हमने कुछ नहीं किया ये डॉक्टर जो था पहले यहां पे डॉक्टर हमने उसको बाद में यूज कर लिया तो नाइदर द डॉक्टर द नर... न... सॉरी नाइदर द नर्सिस द डॉक्टर तो ये चेंज है यहां पे नंबर में ये प्लुरल है नर्सेज और डॉक्टर सिंगुलर है बट और ये नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है जो नियरेस्ट सब्जेक्ट नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारे पास क्या है डॉक्टर तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा तो यहां पे इज हम यूज करेंगे सेम सेंटेंस सेम मीनिंग है इस सेंटेंस का और हमने वर्ब अलग यूज किया वाई बिकॉज हमने डॉक्टर को बाद में बोला और इसमें कोई भी गलत नहीं है दोनों ही सही है इट डिपेंड्स कि आपने पहले कौन सा सब्जेक्ट यूज किया ऑल राइट सो दिस इज रूल सेकेंड थैंक यू फॉर वाचिंग हम लोग थर्ड रूल में जाएंगे और आप ऐसे कम से कम पांच या दस सेंटेंसेस लिखे जॉट डाउन करें या बोले प्रैक्टिस करें ऑल द बेस्ट